हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, आज का भी अपना जो भी लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन आप सभी लोगों का जो डेथ ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है वो अभी अपन क्या करेंगे बोले यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आप सभी लोगों का डेथ ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो देखो अभी पहला यहाँ पे जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया उसके अंदर उन्होंने पहला दिया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो इन विच। तो बेनिफिट रेशियो मतलब क्या दोस्तों, वहां पे आप लिख के रख सकते हैं, इसको अपन वहां पे बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। बेनिफिट रेशियो मतलब कौन सा बोल रहा है यहाँ पे, वो गेनिंग रेशियो बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे द ओल्ड पार्टनर गेन, एडमिशन के केस में तो तुम्हारा गेनिंग रेशियो कोई संबंध ही नहीं, वहां पे तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है, बरोबर। द गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर एडमिट, देखो हमेशा याद रखो एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम को आता है, ठीक है, गेनिंग रेशियो का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट द कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, यस ये बराबर बोल रहा है वो, क्योंकि सीधी बात है देखो दोस्तों, जब भी रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर होगा तो जो भी पार्टनर हमारे बिजनेस में से जा रहा है, बरोबर, तो उसका जो भी शेयर रहेगा वो कौन ले लेगा मुझे बोलो, जो अपने पहले वाले पार्टनर्स रहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, वो कौन से रेशियो में लेते हैं मुझे बोलो, गेनिंग रेशियो या बेनिफिट रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा बोलो, सी रहेगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, द रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर आर बेनिफिटेड, ठीक है। तो देखो दोस्तों एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब क्या, कि जैसे मान लो ए बी सी ये तीन लोग वहां पे पार्टनर्स है, ठीक है, और उसमें से वहां पे मान लो कि सी नाम का पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो जो ए एंड बी बचेगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, राइट। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब यहाँ पे आपका आंसर आएगा गेनिंग रेशियो, कौन सा आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, देखो बेनिफिट हो रहा है मतलब क्या, गेनिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे हम लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द, अभी देखो दोस्तों पी एंड एल सस्पेंस ये जो कॉन्सेप्ट है कब आता है मुझे बोलो, कि जब अपन वहां पे रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को पिछले सालों के प्रॉफिट के बेसिस पे जब भी अपन उसको शेयर देते, ओके, तो वो टाइम पे वहां पे अपना जो भी आता है ना उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो, पी एंड एल सस्पेंस बोलते हैं। तो पी एंड एल सस्पेंस जो भी होता है दोस्तों वो हमारे बैलेंस शीट के एसेट में आता है, कहां पे आता है मुझे बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड, लिख के रखना वहां पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, ओके। इतना समझ में आया मुझे बोलो जल्दी से, यस और नो। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने दिया, डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये तो अपन ने डेथ ऑफ पार्टनर का जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर ही दिया हुआ है, डेथ ऑफ पार्टनर इज नथिंग बट द कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर टू, अभी देखो डेथ के केस में अपन किसको देते हैं मुझे बोलो, ये जो बैलेंस है वो अपन डालते हैं उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को, किधर डालते हैं मुझे बोलो, डेथ के केस में जो भी वो पार्टनर का बैलेंस होगा वो अपन उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, लीगल हेयर लोन और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को अपन ट्रांसफर कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देखो, राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। अभी देखो क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट और डेबिट इन द पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बोले यार दोस्तों, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब क्या, रिवेल्युएशन अकाउंट। तो जब भी रिवेल्युएशन अकाउंट का आप लोगों का राइट साइड बड़ा होगा, देखो ये मान लो आपका अकाउंट है, ठीक है, और अगर मान लो आपका क्रेडिट साइड जो है अगर ये डेबिट साइड से बड़ा होगा तो ये केस में आपका क्या आता है मुझे यहाँ पे बोलो, आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट का आता है, यस और नो। तो इसका आपका आंसर रहेगा बच्चों वहां पे प्रॉफिट, ओके। आप वहां पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, पी एंड एल एडजस्टमेंट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द डिसीज पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब क्या कि जब भी किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो वो डेथ होने के बाद उसका जो भी पैसा है वो अपन किसको देते, कौन रिप्रेजेंट करता है मुझे यहाँ पे बोलो, इसको अपन वहां पे बोल सकते हैं लीगल हियर, क्या बोल सकते बोले यहाँ पे जल्दी से अपन उसको, लीगल हियर वहां पे बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटर भी वहां पे अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, मतलब क्या समझो, वो ये बोल रहा है कि जो भी हम लोगों को पिछले साल में प्रॉफिट हुआ था ना तो वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को अपन क्या करते हैं मुझे बताओ बच्चों, साइड में निकाल के रखते हैं, यस और नो। तो जो भी पिछले साल के प्रॉफिट में से अपन ने पैसे को साइड में निकाल के रखा हुआ है इसको ही अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों जनरल रिजर्व, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो, जनरल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है, इसको वहां पे अपन बोलते हैं बच्चों जनरल रिजर्व, याद रहेगा पक्का, राइट। नेक्स्ट देखो, द पार्टनर हु डाइड, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, डिसीज्ड पार्टनर, क्या बोलेंगे मुझे यहाँ पे बोलो, जो भी पार्टनर का डेथ हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसीज्ड पार्टनर बोलेंगे, यस और नो। नेक्स्ट देखो, द प्रपोर्शन इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है
कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब जैसे एबीसी तीन लोग पार्टनर, उसमें सी का डेथ हो गया, तो ए एंड बी है वहां पे कौन से रेशो में उनको बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा मुझे बोलो इसका, गेनिंग रेशो या बेनिफिट रेशो। हमेशा याद रखना बच्चों, रिटायरमेंट और डेथ जब भी आएगा ना, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते, कंटिन्यूइंग समझता है ना, मतलब एबीसी तीन लोग पार्टनर है, सी का डेथ हो गया, तो ए एंड बी ये जो दो बचेंगे अपने कौन बन जाएंगे मुझे बताओ, कंटिन्यूइंग पार्टनर बचेंगे। तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे ना, ये अपन हमेशा कौन से रेशो में करेंगे बोलो, गेनिंग रेशो में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो यहाँ तक समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, मैं जानबूझ के सर रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और फिर इसके अगले चैप्टर से वापस अपना लाइव स्टार्ट हो जाएगा। राइट, देखो यहाँ पे क्या दिए उन्होंने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। ठीक है, अ डिसीज पार्टनर इज नॉट एंटाइटल टू गुडविल ऑफ द फर्म, कुछ भी बोल रहा है गलत है ये, यस और नो मुझे बताओ। मुझे एक बात बोलो दोस्तों, डिसीज पार्टनर को अपने फर्म का जो गुडविल है वो देते हैं कि नहीं देते बोलो, अपन देते हैं, अपन वो कैलकुलेट करते हैं ना एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, बरोबर है, पिछले साल के जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, उसमें उसको शेयर मिलता है वहां पे। ओके, अभी तीसरा देखो उन्होंने क्या दिया है, इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि जब भी अपन वहां पे गुडविल को रेज करते हैं, वो टाइम पे अपन ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते हैं, बट जब भी अपन गुडविल को वहां पे राइट ऑफ करते हैं ना दोस्तों, वो टाइम पे अपन वहां पे क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, मान लो वहां पे एबीसी तीन लोग पार्टनर है। ठीक है, तो जब भी मुझे गुडविल को रेज करना है तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करूंगा। ठीक है, और जब भी मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा, तो मान लो सी का डेथ हो गया, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल करता हूँ। मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो जब भी अपन गुडविल को राइट ऑफ कर रहे, तो अपन वहां पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, डेथ होने के बाद जो पार्टनर बचते हैं, उसके अंदर ही वहां पे अपन राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे अपने डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को अपन ने डेबिट किया कि मुझे बोलो, अभी अपने एग्जांपल में नहीं किया, तो इसलिए इसका आंसर क्या है बोलो, यहाँ पे फॉल्स है। समझे आप लोगों को पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। नेक्स्ट देखो, चलो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों, ये मैक्सिमम बच्चे वहां पे गड़बड़ करेंगे, आप सभी लोगों को अकाउंट्स में 20 मार्क के एमसीक्यू आते देखो, तो कैसा है कि भैया ये जो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से सारी चीजें दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट, After death of partner, entire amount due to deceased partner is paid to the legal representative. बरोबर है, अपन क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में वहां पे जो भी अपने बैलेंसेस वगैरह रहेंगे वो अपन फिर बाद में उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देते, तो ये क्या है बोलो, तुम्हारा आंसर ट्रू रहेगा, ये बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेथ ऑफ डेथ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड। देखो ना अभी क्या बोल रहा है, फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेथ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ये जो चीज है बेटा, ये तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे अपन जो बनाते ना वो बनाते पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, कौन सा बनाते हैं बच्चों, पी एंड एल सस्पेंस, अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा तुम्हारा वहां पे बोलो दोस्तों, फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा मुझे बोलो इसका आंसर वहां पे आपका, फॉल्स रहेगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। राइट, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, Fill in the blanks and read the following sentences. ठीक है, deceased partner executor account is shown on the debtor side of the balance sheet. अभी मुझे एक बात बोलो, जो भी partner का death हो गया बरोबर, तो उसका जो भी balance रहेगा अपन उसके executor को डालेंगे, और executor का balance अपन ऐसा loan करके बताते, तो loan कहाँ पे आता है मुझे बताओ, loan आएगा अपना liability side में, तो वहां पे आप सभी लोग लिख के रख सकते हो, क्या आएगा बोले इसका answer अपना, liability आएगा बच्चों, क्या आएगा, liability आएगा। ठीक है, next, On the death of partner, a ratio in which continuing partner get more share of the profit in the future is called as. तो मुझे एक बात बोलो आप लोग दोस्तों यहाँ पे, कि death of partner में वहां पे जो भी partner का death हो चुका है बरोबर, तो उसका share भी वहां पे continuing partner को मिलता है, yes or no? तो इसलिए जब भी वहां पे देखो deceased partner का share continuing partner को मिलता है, तो उसको अपन वहां पे gaining ratio बोलते हैं। कौन सा ratio बोलते हैं बच्चों वहां पे मुझे बोलो, gaining ratio। तो इसका answer अपना वहां पे आएगा gaining ratio। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, अभी देखो उन्होंने क्या दिया है, डेथ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि आप सभी लोगों ने वहां पे देखा होगा कि जब भी अपन पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देते, डिसीज पार्टनर को जब भी अपन उसका प्रॉफिट का शेयर दे देते बरोबर, तो वो टाइम पे अपन एंट्री क्या करते थे बच्चों वहां पे,
पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तू क्या करते थे मुझे बोलो, आप डीसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यस और नो मुझे बताओ। और ये जो पी एंड एल सस्पेंस डेबिट हो चुका है इसको अपन बैलेंस शीट के एसेट में डालते थे, यस और नो, इसलिए इसका आंसर आपका आएगा क्या बोलो, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्या आएगा मुझे आप बोलो बच्चों, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आएगा, ठीक है। आगे बेनिफिट रेशियो मतलब क्या, गेनिंग रेशियो की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है मुझे बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्या फॉर्मूला आएगा मुझे आप बताओ बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। एंड लास्ट में आप देखो उन्होंने क्या बोला है, व्हेन गुडविल इज रेज एट इट्स फुल वैल्यू एंड इट इज राइट ऑफ डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो देखो बच्चों जब भी अपन गुडविल को आप रेज करते एंड फिर अपन वहां पे राइट ऑफ करते तो वो केस में वहां पे अपन क्रेडिट की, देखो गुडविल को राइट ऑफ करने का है भैया, तो वो केस में अपन वहां पे गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, समझ में आ रहा है ना पक्का। जब भी अपन गुडविल को राइट ऑफ करते मतलब एसेट कैंसल हो रहा है, जब भी अपना एसेट कैंसल होगा तो अपन एसेट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यस ये वन सेंटेंस का कुछ इतना जरूरी नहीं है, तो बाकी की अपनी सारी जो चीज है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को अभी तक मैंने जितना भी वहां पे बोला आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से वहां पे अपने डेथ ऑफ पार्टनर के जो भी थ्योरी थी साथ साथ में उसके जो इलस्ट्रेशन थे और एक्सरसाइज था ये अपन ने कंप्लीट वहां पे करके रख दिया है, ओके। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में वहां पे क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर रहेगा उसको अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते फिर दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वापस पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है गाइस, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।